कभी फानी बदायूं ने कहा था, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। हजराते गिरामी, गजल जब आंसुओं से लिखी जाती है, गजल जब आंसुओं से लिखी जाती है तो वो गजल दिल की गहराइयों में अपना असर करती है। आइए गजल का क्लासिकल लहजा और उसे खूबसूरत मखमली आवाज से सजाकर आपके दिलों तक अपनी रसाई करने वाले शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ। हजरत अमीर खुसरो की जाय पैदाइश से उभरने वाला ये शायर जो आज पूरी उर्दू दुनिया का बहुत चहीता शायर है, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अज़म शाकिरी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप हजरात, और बहुत अच्छी बात है आज हमारे मुशायरे में कि हमारे बड़े सीनियर बड़े भाई मंजर भोपाली साहब सदारत फरमा रहे हैं इस मुशायरे की, तो इसलिए मुशायरा और बावकार हो जाता है। मैं गज़ल के कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ आप हजरात, एक गज़ल के चंद शेर सुने मुलाहिज़ा फरमाएं, इजाज़त है सुनाए। इस तरह दिल दुखाने आते हैं, सुन तो लो पहले। इस तरह दिल दुखाने आते हैं, इस तरह दिल दुखाने आते हैं, इस तरह दिल दुखाने आते हैं, मुस्कुराते हैं लौट जाते हैं। वाह 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 वाह, मुस्कुराते लौट जाते हैं। इस तरह दिल दुखाने आते हैं, मुस्कुराते हैं लौट जाते हैं, मुस्कुराते हैं लौट जाते हैं। जिस जगह बारिशें नहीं होती, जिस जगह बारिशें नहीं होती, जिस जगह बारिशें नहीं होती, हम वहीं पर शजर लगाते हैं, वहीं पर शजर लगाते हैं। वाह 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 वाह, शोएब भाई हाथ खोलने पड़ेंगे, हाथ खोलने पड़ेंगे आपको। हम वहीं पर शजर लगाते हैं। दोस्तों एक शेर इसमें हुआ, मैं इस तरह के शेर नहीं कहता लेकिन अब हो गया तो मैं सुना रहा हूँ। हम वहीं पर शजर लगाते हैं, जब हुकूमत है फूल वालों की, शेर सुनिएगा जी जी, जब हुकूमत है फूल वालों की, फिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं, फिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं। अज़म साहब फिर से पढ़िए ये शेर, वाह वाह वाह। जब हुकूमत है फूल वालों की, फिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं, आते हैं मुस्कुराते हैं लौट जाते हैं। और दोस्तों यही कमाल है लफ्जों को बरतने का, देखिए एक लफ्ज से क्या तस्वीर बनी है शेर की, यही कमाल है। अज़म शाकिरी साहब का बहुत शुक्रिया, वाह। मैं दोस्तों अब ये गजल का शेर मैं जो अपने लहजे में आता हूँ, फिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं, और मासूम लगने लगते हैं,
और मासूम लग सुनिएगा आप लोग भी सुनिए और मासूम लगने लगते हैं जब वो चेहरा बदल के आते जब वो चेहरा बदल और मासूम लगने लगते हैं। देखिए शब्बीर भाई को बहुत अच्छा लगा ये शेर। हमारे शब्बीर भाई बैठे हैं, आदिल भाई बैठे हैं, ये शेर सुने जी। और मासूम लगने लगते हैं, याद है भाई आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं लोग। और मासूम लगने लगते हैं जब वो कपड़े बदल के आते हैं, जब वो कपड़े बदल के आते हैं। रात भर आसमान रोता है, रात भर आसमान रोता है। शेर सुनिएगा कदल का शेर। रात भर आसमान रोता है, रात भर आसमान रोता है, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं। रात भर आसमान रोता है, वाह 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 वाह, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं। देखिए आजम साहब को रोक के मैं ये इत्तला पहुंचाना चाहता हूं कि भाई शकील सिद्दीकी साहब हमारे बीच में यहाँ तशरीफ ले आए हैं, जनाब सलीम खान साहब तशरीफ लाए हैं। ये दो वो अदब नवाज शख्सियात हैं जिन्होंने मुंबई और मुंबई के एतराफ में अदबी महफिलों को सजाने में अपना खून लगाया है, अपना खसूसी किरदार अदा किया है। ये अदब दोस्त हमारे महफिल में पहुंचे हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूँ और आजम साहब से गुजारिश करता हूँ कि गजल मुकम्मल करें। जी भाई जी भाई। रात भर आसमान रोता है, रात भर आसमान रोता है, वाह, तब कहीं फूल मुस्कुराते, वाह 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 वाह, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं। वाह वाह वाह। अब दोस्तों ये एक आखिरी शेर चाहता हूँ आप तवज्जो से सुन लें। तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं, शोएब भाई सुने, रहू भाई, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं, तुम हवा से हवा बनाते रहो, तुम हवा से हवा बनाते रहो। सुने इम्तियाज भाई, तब कहीं फूल मुस्कुराते हैं, तुम हवा से हवा बनाते रहो, हम दिए से दिया जलाते हैं। वाह 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 दिए। ये शेर मुकर्रर पढ़िए भाई, मुकर्रर पढ़िए। जलाते वाह 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 मुकर्रर पढ़िए। हवा से हवा बनाते रहो, हम दिए से दिया जलाते, हम दिए से दिया जलाते हैं। वाह वाह। मैं एक गजल के दो तीन शेर और सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। बहुत शुक्रिया। बड़ी सर्द हैं हवाएं, बड़ी सर्द हैं हवाएं,
शब गम पिघल रही है, वाह वाह वाह, बड़ी सर्द है हवाएं, वाह वाह, बड़ी सर्द है हवाएं, शब गम पिघल रही है, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, वाह 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 वाह, धुआं सा उठ रहा है, वाह, कोई शाख जल रही है, बड़ी सर्द है हवाएं, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, डॉक्टर मुमताज शाह साहब, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। अब शेर सुने जी। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, वा, 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 वा। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ, मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है, वाह 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 वाह, मेरा हाथ छू, वाह 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 वाह, मेरा हाथ छू के देखो, वाह वाह वाह, मेरी नब्ज चल रही है। आ जाइए इम्तियाज बनू साहब, बहुत पीछे जाके बैठ गए हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी जी जी, लेकिन वहीं से आप जिंदगी ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। न बहाओ पानियों में, वाह वाह, मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में, मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है, वाह 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 वाह, मेरा हाथ छू के देखो। और दोस्तों ये शेर सुने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये ऐसा लग रहा है कि गजल सिर्फ इधर ही वाले सुन रहे हैं, इधर वाले नहीं सुन रहे, ऐसा नहीं है, ये हजरत असल में ये जो तवाजुन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यार, आदमी कभी कभी इधर भी देखो यार, हाँ ये बुजुर्ग, और दूसरी बात इधर आप लोग भी शरीक हो जाएं, ज्यादा अहम लोग हैं। अब देखिए भाई फरीद नूरी साहब अब शेर सुने, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, वाह 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 वाह, मेरे दोस्तों को मेरी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये शेर अजम साहब एक बार फिर पढ़ दीजिए, लग रहा है कि तीर निशाने पे लगा है। सुने ये तमाम दोस्ती बैठे हुए हैं, जी जी जी, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ, मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, वाह मेरे दोस्तों को मेरी। और दोस्तों ये शेर सुन लें, इरशाद, ये शेर हमारे दोस्त हैं इकबाल अशर, वो कहने लगे यार ये शेर किसी ऐसे शख्स की नजर कर दिया करो जिसकी शादी देर से हुई हो। तो मैंने कहा ये तो पहले से तहकीक करनी पड़ेगी, लेकिन इसके देखिए मायने ये भी निकल सकते हैं शेर के। अब शेर सुनिएगा, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो
तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वाह 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 वाह, फूल फल रहे। वाह 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 वाह, सुनो तो बात सुनो। देखो भैया, ये इनकी मोहब्बत है, ये तो मैं रख लेता हूँ। नहीं नहीं, ये अब ना लाए, ये कोई बात कोई बात। हाँ, ये आप अपनी मोहब्बत लेकर आइए। ये देखिए, ये कल्याण के कॉर्पोरेटर जावेद भाई को लेकर। अच्छा, कल्याण के कॉर्पोरेटर जावेद भाई अगर यहाँ है तो ये भाई उनको तलाश कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हो वो भाई से मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी एक भाई जो अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर आए थे, आमतौर पर ये मुशायरों का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आजम साहब थोड़ा सा झिझक रहे थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आजम साहब इसे अलग जेब में रखिएगा और इस नोट को अपने साथ घर लेकर जाइएगा। जितने का ये नोट है इतने ही पैसे इसमें और मिलाइएगा और किसी जरूरतमंद बच्चे को किताबें खरीदवा दीजिएगा, तो हम समझेंगे कि आपने उस भाई की मोहब्बतों का एहतराम किया। ये सबसे अच्छा तोहफा होगा। बहुत शुक्रिया। वो धुआं सा उठ रहा है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। वाह वाह, फूल फल रहे हैं। वाह वाह। दोस्तों, मैं समझता हूँ टाइम के नहीं, देखिए अगर टाइम ना हो तो मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अब जब माहौल बन गया है तो मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा इतनी बेईमानी करने की इजाजत तो मुझे भी मिल जाए कि मैं आजम साहब को एक गजल के लिए फरमाइश कर सकूं। आप मेरा साथ देंगे तो मैं कह पाऊंगा। जनाब आजम शाकिरी, एक गजल और सुनाए। देखिए, एक गजल मैं सुनाता हूं और ये गजल खास तौर से हमारे शमीम भाई की बहुत पसंदीदा गजल है, तो मैं चाहता हूँ कि शमीम भाई की तरफ से आदिल भाई के लिए ये गजल। अच्छा, ये भी ठीक है, तो ये बहुत अच्छी गजल है, तो सुनिएगा। नहीं नहीं, ये बहुत सुनिए, ये गजल के चंद शेर सुनिए। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, वाह, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। वाह 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 वाह, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। वाह वाह वाह, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। अब ये शेर सुने शोएब भाई जी, इरशाद। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। वाह वाह, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। वाह वाह, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। और ये शेर खास तौर से हमारे रऊब भाई का शेर है। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। वाह 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 वाह, जिसको पाया था वो वा, 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 तो मिला ही नहीं। वाह वाह वाह, से कोई पर्दा उठा ही नहीं। दोस्तों, तीन शेर आखिर में ही पढ़ के जाता हूँ। इरशाद। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं,
दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। दोस्तों शायद आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मेरे बहुत ही मोहतरम नदीम सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे साहबी, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहता हूं मोहतरम नदीम सिद्दीकी साहब की ये काबिल-ए-सद एहतराम शख्सियत यकीनी तौर पर इस मुशायरे के कैनवस को मुकम्मल करती है। वो यहाँ तशरीफ लाए और इससे हमारे मुशायरे का वकार बहुत बुलंद हुआ है यकीनी तौर पर। आज़म शाकिरी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जैसे ही नजर पड़ी उसका जिक्र किया। दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, दिल में हसरत कोई बची ही नहीं, आग ऐसी लगी बुझी ही नहीं। अब शेर सुनिएगा। उसने जब खुद को बेनकाब किया, वाह, उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं, फिर किसी की नजर उठी ही नहीं। वाह वाह वाह। मैं जिसे अपनी जान समझता था, मैं जिसे अपनी जान समझता था, आपको मैं जिसे अपनी जान समझता था, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं, सच तो ये है वो मेरी थी ही नहीं। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर इरशाद, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी को गले लगाते क्या, जिंदगी उम्र भर मिली नहीं, वाह 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 वाह, जिंदगी